हाय गाइस एंड वेलकम टू दुबे जी की गाड़ी। अगर आपका बजट अराउंड 15 लाख ऑन रोड का है तो वहां पे आपके पास दो सबसे अच्छे ऑप्शन होते हैं। एक तो होती है कि आप सेडान में चले जाएं, दूसरा होता है कि आप एसयूवी में चले जाएं। तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ एक ही ब्रांड की दो गाड़ियाँ, ताकि आपको बता सकूँ कि आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सी गाड़ी है। तो इस कंपैरिजन में मैंने ह्यूंडई की वर्ना का S6 ऑप्शनल वेरिएंट लिया, वहीं पे ह्यूंडई क्रेटा का S6 वेरिएंट लिया है। इस कंपैरिजन में हमने काफ़ी सारे डिफरेंट पैरामीटर्स लिए हैं, जैसे कि प्राइस, डायमेंशन, इंजन कंपैरिजन, सेफ्टी, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस और आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर को मिस आउट ना करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पैरामीटर हमने कंसीडर किया है वो है प्राइस। तो देखिए वर्ना का S6 ऑप्शनल 1.5 लीटर इंजन 12,97,000 एक्स शोरूम का मिलता है, वहीं पे क्रेटा का S6 आपको 14,20,000 एक्स शोरूम का मिलता है, यानी कि 1,20,000 का डिफरेंस पड़ जाता है वर्ना टॉप और क्रेटा टॉप के बीच, ये 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ है। तो मतलब क्लियरली वर्ना को प्राइसिंग वाइज तो एडवांटेज मिलता है, लेकिन प्राइसिंग हर चीज़ नहीं होता। तो अब देखते हैं कि बाकी पैरामीटर्स की क्या हालत है। अब हम देखेंगे डायमेंशन। देखिए वर्ना का लेंथ क्रेटा से ऑलमोस्ट 110 mm ज़्यादा है, विथ वाइज क्रेटा को एडवांटेज मिलता है, तो हाइट में भी क्रेटा को एडवांटेज है, व्हील बेस मोर और लेस सेम है और बूट स्पेस में वर्ना को एडवांटेज मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल स्पेस की बात कर दें तो वर्ना लंबी ज़रूर है, लेकिन रियर सीट में आपको क्रेटा में ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है। वहीं अगर बूट स्पेस आपको ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर वर्ना वापस से एडवांटेज ले लेती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हम क्रेटा को स्लाइट एडवांटेज देते हैं वर्ना के ऊपर, उसके सेकेंड रो में अच्छे स्पेस के लिए और बूट स्पेस भी बहुत कम नहीं है, इसलिए डायमेंशन वाइज क्रेटा को एक स्लाइट एडवांटेज यहाँ पे मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं इंजन कंपैरिजन की तरफ। तो देखें ह्यूंडई वर्ना और ह्यूंडई क्रेटा दोनों में सेम 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 115 PS की पावर और 145 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। ये इंजन बहुत ज़्यादा फन टू ड्राइव इंजन तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा रिफाइंड यूनिट है। अगर हम इनके माइलेज की बात करते हैं तो ह्यूंडई वर्ना में आपको 19 किलोमीटर तो ह्यूंडई क्रेटा में आपको 17 किलोमीटर मिलता है। मतलब वर्ना एक सेडान होने की वजह से आपको ज़्यादा अच्छा माइलेज मिलेगा। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ह्यूंडई वर्ना में डेफिनेटली आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा क्रेटा के मुकाबले, क्योंकि वर्ना हल्की भी है क्रेटा से और साथ में ज़्यादा एरोडायनामिक है। वो स्लीक है, सेडान डिज़ाइन है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम। तो ओवरऑल ह्यूंडई वर्ना एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है अगर आपको ड्राइव करने के लिए गाड़ी चाहिए या आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए। तो इंजन कंपैरिजन वाइज सेम इंजन होने के बाद भी हम ह्यूंडई वर्ना को यहाँ पर एडवांटेज देते हैं। इसके बाद आते हैं सेफ्टी फीचर्स। इसके बाद आने वाला है सेफ्टी फीचर्स, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। ये दोनों ही गाड़ियों को हमने केवल सेफ्टी फीचर के ऊपर कंपेयर किया, क्यों? क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ। तो अगर हम सेफ्टी फीचर की बात करते हैं तो ह्यूंडई वर्ना में आपको ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, साइड एयरबैग और कर्टेन एयरबैग सभी चीज़ मिलता है, जबकि क्रेटा में आपको केवल ड्यूअल फ्रंट एयरबैग ही मिलता है। वहीं पे अगर हम बाकी कॉमन फीचर्स की बात करते हैं तो बाकी लगभग सारे मेजर फीचर कॉमन ही हैं, जैसे कि व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, ABS विथ EBD, आइसोफिक्स, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब सेफ्टी फीचर वाइज दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी तरह से लोडेड हैं, लेकिन ह्यूंडई वर्ना को यहाँ पर एडवांटेज मिलता है साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स का। तो सेफ्टी फीचर वाइज हम वर्ना को एडवांटेज देते हैं, क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है तो वहाँ पे कोई भी कमेंट करना सही नहीं होगा। इसके बाद आते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर पे। तो देखिए दोनों ही गाड़ियों का एक तरह से टॉप वेरिएंट है अपने अपने इंजन ऑप्शन के साथ। तो वर्ना S6 ऑप्शनल में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम मिलता है, वहीं पे क्रेटा S6 में आपको 10.25 इंच का मिलता है। मतलब टच स्क्रीन का साइज क्रेटा में बड़ा है। दोनों ही गाड़ियाँ कनेक्टेड कार हैं, दोनों में ही ऑटोमेटिक AC मिलता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, क्रूज कंट्रोल, मतलब काफ़ी सारे कॉमन फीचर्स मिलते हैं। एडिशनल फीचर अगर हम क्रेटा की बात करते हैं
तो यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जबकि वर्ना में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है। वर्ना में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, जबकि क्रेटा एसएक्स में आपको नहीं मिलते हैं। तो ओवरऑल कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे मैं वर्ना एसएक्स ऑप्शनल को एडवांटेज देना चाहूँगा। हाँ, उसका टच स्क्रीन का साइज छोटा है, सनरूफ छोटा है, लेकिन वेंटिलेटेड सीट एक ज़्यादा यूजफुल फीचर मैं कंसिडर करता हूँ सनरूफ के साइज़ के ऊपर, क्योंकि इंडिया में सनरूफ ऐसे ही बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर नहीं है। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस वाइज हम वर्ना एसएक्स को स्लाइट एडवांटेज देते हैं क्रेटा एसएक्स के ऊपर। इसके बाद हम आते हैं आफ्टर सेल्स एंड सर्विस पे। देखिए, दोनों ही गाड़ियाँ ह्यूंडई की हैं, तो वहाँ पे आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं फील होने वाला, क्योंकि सेम ही सर्विस नेटवर्क है, सेम प्राइस की ऑलमोस्ट गाड़ी है। हाँ, रीसेल वाइज ह्यूंडई क्रेटा को एडवांटेज मिलता है, क्योंकि अभी क्रेटा की जोरदार डिमांड है, एसयूवीज की डिमांड है, जबकि सेडान्स का डिमांड अभी थोड़ा कम हुआ है। इसके लिए अगर हम रीसेल की बात करते हैं तो ह्यूंडई क्रेटा का एडवांटेज, वरना सेल्स एक्सपीरियंस या सर्विस एक्सपीरियंस दोनों गाड़ियों को ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आने वाला है। तो अब फाइनल कंक्लूजन की बात कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एकदम ही खराब ही सड़कों पर चलना है, मतलब आपकी ड्राइविंग का मैक्सिमम पार्ट केवल खराब सड़कों पर या 50% खराब सड़कों पर, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, ह्यूंडई क्रेटा एक अच्छा ऑप्शन वहाँ पे बन जाता है। लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग सिटीज़ में है, हाईवेज पे है, या बहुत ही कम आपके यहाँ पे ख़राब सड़कें, तो वहाँ पे क्रेटा लेने का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आप 120,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? रियर में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है, वो एक पॉइंट है, उसके अलावा आपको एडिशनल कोई खास यहाँ पे चीज़ें नहीं मिल रही। हाँ, एक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जबकि आपको वरना में एडिशनल के नाम पे आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलता है, आपको थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस, थोड़ा अच्छा माइलेज, और ओवरऑल आपको एक ज़्यादा स्टाइलिश लुकिंग कार मिलती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको डिलीवरी भी मिल जाएगी, क्योंकि ह्यूंडई क्रेटा की वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा चला गया है, और कई कई जगह पर एक साल से भी ऊपर ह्यूंडई क्रेटा का वेटिंग चला गया, तो वहाँ पर ह्यूंडई वरना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। आपको ये दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आई वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।